और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई आ रही है। साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, अतीक को यूपी पुलिस लेकर आ रही है। अतीक अहमद के काफिले की लाइव ट्रैकिंग को रोकने के लिए पुलिस ने काफी एहतियात भी बरती है। इस दौरान आपको बताएं, वज्रवाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी ले लिया गया है। कोई भी कोताही यहां पर ना बरती जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का ये रास्ता, ये सफर तय करने वाला है और ये सफर 22 से 24 घंटे में पूरा हो जाएगा। लगातार जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है वो भी न्यूज 18 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। अभी जानकारी ये भी मिली कि सातवीं बार अतीक अहमद का जो काफिला है वो रुका है, एक बार फिर से ड्राइवर यहां पर बदला गया और फिर उसके बाद ये काफिला आगे की ओर रवाना होता हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने पहले जो रूट है उसको सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन बाद में इस रूट को भी बता दिया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं, भवानी लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, अभी बताया गया कि ये जो काफिला है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुका, एक बार फिर से ड्राइवर को बदल दिया गया, अब क्या माना जाए, काफिला आगे बढ़ रहा है, क्या चित्तौड़ जाकर ही अभी रुकेगा? देखिए बिल्कुल, काफिला वापस आगे बढ़ चुका है। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले काफिला रुका भंवरगढ़ के अंदर, वहां पे ड्राइवर बदला गया और ड्राइवर इसलिए बदला गया कि नॉन स्टॉप चल रही है, कहीं रोका नहीं जा रहा है। और सिर्फ रोका जा रहा है तो तब रोका जा रहा है, या तो वॉशरूम की डिमांड कर रहा है अतीक अहमद, तब रोका जा रहा है। उसको 3 बार मौका दिया था वॉशरूम करने का और इसके अलावा 2 बार ड्राइवर बदलने के लिए रोका गया, कुल 7 बार गाड़ी रुकी। अभी देखिए कि ये सामने जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, ये काफिला हम बिल्कुल पीछे हैं अतीक अहमद की, बिल्कुल जिस वैन के अंदर बैठा हुआ उसके बिल्कुल पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर। और यहाँ पर जो पुलिस का काफिला है, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा है उसके आगे और पीछे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रात में कुछ स्पीड कम की गई, लेकिन उसके बाद में 2 बार ड्राइवर बदले गए और स्पीड, ताकि ज़्यादा स्पीड के अंदर चलें। और अब आप देखिए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी इसका गाड़ी से आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ रहा, और 100 किलोमीटर हाईवे पर काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज जल्दी पहुंच जाएगा। 1300 किलोमीटर का ये जो सफ़र है वो तकरीबन एवरेज 36 घंटे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये स्पीड मेंटेन की तो 32 घंटे में ये सफ़र पूरा किया जा सकता है जिस स्पीड से, क्योंकि सुबह से, जैसे सुबह का वक्त हुआ 4 बजे जब अतीक अहमद एक बार वॉशरूम गया, कोटा से निकले, उसके बाद में स्पीड बढ़ा दी गई। और जो ड्राइवर रात भर से चल रहा था उसको कुछ परेशानी हुई तो ड्राइवर चेंज कर दिया गया, फिर वापस स्पीड और भवानी पहले से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है जिस गाड़ी में अतीक अहमद है उसमें पेट्रोल की कमी भी ना होने पाए, क्योंकि जानकारी लगातार वहां से ये मिल रही है कि समय से पहले ही उस गाड़ी में पेट्रोल भी जरूर डलवा लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी रूप में, चाहे सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर की गई हो, लेकिन किसी भी रूप में कोई मौका दिया नहीं जाएगा। भवानी जी हाँ, बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल डलवाया गया था, पहले उदयपुर में डलवाया गया था, फिर कोटा के अंदर जहाँ उसको वॉशरूम कराया वहाँ पर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया था। पुलिस कर ये रही है, यूपीएसटीएफ कर रही है कि अतीक अहमद को जो वॉशरूम कराया जा रहा वही पेट्रोल पंप पर ही करवाया जा रहा, जिससे कि समय वेस्ट नहीं हो, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया जाए और उसी वक्त अतीक अहमद को वॉशरूम जाने का मौका दिया जाए। उसकी तस्वीर हमने चेहरा देखा, वो वॉशरूम करने के लिए नीचे उतरा था, उसके चेहरे पर साफ तौर पर एक चिंता की, एक तनाव की लकीरें साफ नजर आ रही। जैसे यूपी की ओर काफिला बढ़ता जा रहा, वैसे वैसे तनाव अतीक अहमद के चेहरे पर बढ़ता जा रहा। और वो लगातार हम देख रहे हैं कि पहले गाड़ी के अंदर बैठा नजर आया, फिर अब नीचे आ गया, और कहीं न कहीं उसको ये डर लग रहा है कि जैसे कि अगर काफिला रोका भी जाता तो उस दौरान बाहर झांकने से या आने से उसको कहीं न कहीं ये डर लग रहा है। तो लगातार अब यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है मध्य प्रदेश बॉर्डर का, यहाँ से 20 किलोमीटर बाद में मध्य प्रदेश बॉर्डर आ जाएगी, और उसके बाद में यहाँ से तकरीबन जो 60 किलोमीटर का फासला है वो मध्य प्रदेश का शहर शिवपुरी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में जो काफिला आगे मध्य प्रदेश को 300 किलोमीटर क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। जी बिल्कुल भवानी, यानी कि आपने बताया कि जब काफिला रुका, आपने खुद अतीक अहमद को जब देखा, बॉडी लैंग्वेज जो अतीक अहमद की थी वो बहुत डरी हुई नजर आ रही थी, चिंता साफ दिख रही थी चेहरे पे, यानी कि वो माफिया जिससे अभी तक लोग खौफ खाते थे वो आज खुद
खौफ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जहां पर उसे ले जाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर बीते दिनों जो माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई देखी और कानूनी तौर पर वो बहुत कड़ी रही है। भवानी की खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आया और वो उसने इजहार भी कर दिया, उसने जिस तरीके की जो बातें कही है वो दिखाती है कि कैसे उसके अंदर दहशत है। दहशत इस बात की है कि वो उस यूपी के अंदर जा रहा, आप देखिए कि उसी यूपी के अंदर जहां पर वो अपने आप में एक क्राइम एक हुकूमत चलती थी उसकी, वहां पर ये हालात है उसको कि जाते में डर लग रहा है उसके अंदर, वहां पर वो एक तरह से बादशाह था। अब जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं उसको पता प्रयागराज जेल ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको कोर्ट के अंदर उस केस में पेश किया जाएगा। आप देखिए कि जो आरोप क्या है, आरोप ये है कि उसने एक सिर्फ गवाह की हत्या कराई थी, उस जो बीएसपी के नेता की राजूपाल की हत्या कराई थी, तो तमाम जो चार्जेज हैं उस पर बड़े चार्जेज हैं, 100 से ज्यादा केस हैं, मोस्ट वांटेड है यूपी के अंदर। और आप देखिए कि बाहुबली है, 100 करोड़ से ज्यादा की इसके पास में संपत्ति थी, यूपी पुलिस ने रेड की थी, कई इसकी जो अवैध संपत्तियां वो तोड़ी गई थी, इसका काला साम्राज्य खत्म किया गया। और अब लेकिन भवानी आप जरूर अतीक अहमद इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि अभी कोई विकल्प उसके पास नहीं है, जब तक कि प्रयागराज लाया नहीं जाता, पहुंच नहीं जाता, तब तक की दिल की धड़कनें जो अतीक अहमद की है वो जरूर समय के साथ और भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन लाइव ट्रैकिंग भी हो ना सके इसकी पूरी कोशिश की गई है, एहतियात बढ़ता गया है, क्योंकि पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी ये जानता है कि अतीक अहमद है, और अतीक अहमद है उसके जो साथ के लोग हैं, चाहे पिछले दिनों हमने देखा कितने सारे शार्प शूटर्स निकलकर सामने आए, अभी बहुत सारे ये नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है, कोई भी शांति से बैठने वाला नहीं है, दावपेच कैसे और लगाए जा सकते हैं इसकी कोशिश की जा रही होगी। भवानी चलिए लौटेंगे भवानी के पास, बड़ी खबर लेकिन लगातार आपको बता रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भवानी का एक बार फिर से रुख करेंगे, क्योंकि भवानी इस वक्त उस काफिले को जिस रूट पे काफिला गुजर रहा है उसे फॉलो कर रहे हैं। अभी जो ताजा अपडेट है वो सबसे पहले आपको बता दें, कुछ देर पहले जो काफिला है वो कुछ देर के लिए रुका, ड्राइवर को बदल दिया गया। अच्छा, अगर ड्राइवर के लिए भी कोई भी समस्या अगर आ रही है तो रिस्क नहीं लिया जा रहा है, तुरंत से ड्राइवर को भी बदल दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा रूट है। हालांकि जो स्पीड है उसे भी बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब रात चल चुकी है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, आपको अब रोशनी नजर आएगी, सुबह हो चुकी है, इसीलिए स्पीड को थोड़ा ज्यादा मेंटेन किया जाए इसकी कोशिश की जा रही है। ड्राइवर एक बार फिर से बदल दिया गया है, 7 बार अभी तक ये काफिला रुक चुका है। अब माना यह जा रहा है कि जब चित्तौड़ करीब आएगा तो हो सकता है एक बार फिर से इस काफिले को रोका जाए, क्योंकि इस काफिले को रोका भी पेट्रोल पंप पर जा रहा है, जिससे कि अतीक अहमद जिस गाड़ी में सवार है उस गाड़ी में पेट्रोल भी एक बार फिर से भरवा लिया जाए। और अगर अतीक अहमद ये कहता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है तो फिर वो वहां पर भी जा पाए। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे पहले ये लाइव तस्वीर है अतीक का काफिला शाहबाद से जो गुजरता हुआ दिख रहा है, और 4 तस्वीरें आप देखिए, उदयपुर में एक काफिला रुकता है, रात 10:30 बजे का वो समय होता है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आउटर कोटा में भी ये जो काफिला है वो यहाँ पर रुकता है, और अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो समय है हो सकता है कि वो यहाँ से कम जरूर हो, क्योंकि स्पीड को ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज अतीक अहमद की नजर आई, जिस तरीके से मेरे सहयोगी भवानी ने भी बताया, जब वो वहां पर उसका काफिला रुका, जब देखा गया, तो अतीक अहमद इस वक्त बहुत डरा हुआ है। आप देखिए ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अभी तक अतीक अहमद का जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा, कहां कहां पर रुका। ऋषभ देव में बताया गया, रात 9:05 का वो समय था जब रुका, उसके बाद रात 10:30 बजे उदयपुर एक काफिला रोका गया, चित्तौड़गढ़ में भी एक काफिला रुका, और फिर रात 2:10 पर कोटा शहर में भी रुकता है, और उसके बाद आउटर कोटा में भी रुकता है। ये 6 तस्वीर और 7वीं वो जब अभी थोड़ी देर पहले ये जो काफिला है अतीक अहमद का वो रुका। और चलिए अब आपको वो वारंट दिखाते हैं जो सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने साबरमती जेल को भेजा, ताकि अतीक अहमद की पेशी यहां पर हो सके। वो जो है वो आपको दिखाते, देखिए वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं अतीक पर जो वारंट है उसमें क्या कुछ कहा गया है। ये देखिए, सेवा में जेल अधीक्षक साबरमती जेल अहमदाबाद, विषय अतीक पर वारंट।
ये जो वारंट है वो यहाँ पर कहा गया और इसमें साफ कहा गया है कि अतीक अब हाजिर होना चाहिए, यानी कि अतीक की जो पेशी है वो अब यहाँ पर होगी और इसीलिए जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये सबसे पहले आप देखिए, अतीक हाजिर हो, इससे साफ समझ में आता है कि अब अतीक अहमद के पास जो बहुत सारे दाव पेच इससे पहले लगाने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ से अब कुछ भी रहता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि जरूर जो है वकील पहले कह चुके हैं कि डर, उनकी जान को खतरा है। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आप देखिए, अतीक अहमद का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सुबह का समय हो चुका है, स्पीड को बढ़ा लिया गया है, लेकिन अतीक इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा खौफ में है। अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जो 7 बार अभी तक रुक चुका है, अब माना जा रहा है कि थोड़ा आगे जाकर अगर अतीक कहेगा उसे कुछ खाना है या उसे एक बार फिर से वॉशरूम जाना है तो फिर इस काफिले को रोका जाएगा। लेकिन जो 22 से 24 घंटे का समय माना जा रहा था, हो सकता है कि उससे पहले ही प्रयागराज पहुंच जाए। तैयारी भी आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर की गई है, लाइव ट्रैकिंग यहां पर होने ना पाए, इसीलिए इसका जिक्र किया गया क्योंकि अतीक अहमद जरूर यहां पर चुपचाप बैठा है क्योंकि इस वक्त कोई विकल्प, कोई ऑप्शन अतीक अहमद के पास है नहीं। लेकिन आप सोचिए वो वकील जो इससे पहले दावपेच लगाने में थे कि कैसे अतीक अहमद को ना भेजा जाए प्रयागराज, कैसे उनकी जान को खतरा बता दिया जाए, एनकाउंटर का डर पहले ही सता रहा था। इसके अलावा वो लोग जो अतीक के करीबी हमेशा से रहे हैं वो इस वक्त कितने ज्यादा खौफ में होंगे, कितने ज्यादा डरे हुए होंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, इसमें माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार हो रही है वो सब देख रहे हैं। और चाहे अब पिछले दिनों वो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जो कार्रवाई हुई है वो हो या फिर उससे पहले, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ लगातार अब नजर आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी आपको बता रहे हैं कहां कहां पर जो अतीक अहमद का काफिला है वो रुका, दूसरी बार देखिए उदयपुर में रुका, इससे पहले ऋषभदेव में रुका, तीसरी बार आपको बताएं चित्तौड़गढ़ में भी एक बार ये काफिला रुका, फिर चौथी बार भीलवाड़ा, रात 2:10 का वो समय था, फिर पांचवी बार कोटा शहर में और फिर छठी बार आउटर कोटा में भी सुबह 4:06 पर, और फिर अभी लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले ये काफिला 5 से 7 मिनट के लिए रुका और फिर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो वहां से लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद बहुत सारे मामले भी देखिए इससे पहले भी यहाँ पर दर्ज रहे, लेकिन अब अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और माफिया अतीक अहमद इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है, साबरमती जेल से निकलते ही अतीक का खौफ सामने आ गया था। अतीक ने यह कहा कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है। इस वक्त अतीक अहमद को 36 घंटे का सफर 7 जन्मों के बराबर लग रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिसके बाद से अतीक अहमद के अंदर खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे दिन अतीक अहमद की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं। जेल के बाहर जब यूपी पुलिस के 2 बख्तरबंद वाहन आकर खड़े हुए तो अतीक इन गाड़ियों को देख तो नहीं सका, लेकिन इन बख्तरबंद गाड़ियों के आने की आहट से ही अतीक अहमद कांप गया। यूपी पुलिस के 20 हथियारबंद जवान अहमदाबाद की सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद रहे और अतीक अहमद जेल के अंदर बुरी तरह से सहमा रहा। अतीक अहमद के ट्रांसफर की कागजी कार्यवाही तो शनिवार की रात से ही चल रही थी, लेकिन ये कार्यवाही सुबह 8 बजे दोबारा शुरू हुई और शाम तक भी ये कार्यवाही चलती रही, क्योंकि एक तरफ यूपी की पुलिस प्रयागराज की अदालत का वारंट लेकर आई थी तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस के आला अफसरों की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि अतीक को इस जेल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी नजर रखना जरूरी है,
लेकिन अतीक पूरी कार्यवाही के दौरान बेचैन रहा। एक एक पल उसको भारी लग रहा था। जिस यूपी पुलिस को उसने कभी अपने इशारों पर नचाया था, वही यूपी पुलिस सब उसको काल नजर आ रही थी। अतीक अहमद अपने इसी डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी गया था। प्रयागराज में 12-12, 15-15 शूटर हथगोले बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सटा के गोली मार रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? हमने सबको चिन्हित किया है, पाताल के नीचे भी होंगे तो ढूंढ कर ला करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। भागो। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड के बाद ही योगी आदित्यनाथ का बहुत कड़ा रुख सामने आया था। अतीक अहमद ये समझ चुका था कि अब यूपी पुलिस उसे यूपी ले जाने के लिए आने वाली है। जरा अतीक अहमद के खौफ की टाइमलाइन देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। 27 फरवरी को अतीक का गुर्गा अरबाज यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था और 1 मार्च को ही थर थर कांपता हुआ अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की, उससे अतीक अहमद के अंदर मौजूद यूपी पुलिस का डर खुलकर सामने आ गया। अपनी याचिका में अतीक ने लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ संदेह के आधार पर ही यूपी की विधानसभा में यह बयान दिया कि वो उसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी स्थिति में उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। एक बेहद खतरनाक माफिया जिसकी दहशत से कभी पूर्वांचल कांपता था, सुप्रीम कोर्ट में जान की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए अहमदाबाद की जेल पहुंच गई, जिसके बाद अतीक अहमद सन्न रह गया। अतीक अहमद और उसके परिवार का इस वक्त दहशत के मारे बुरा हाल है। दरअसल अतीक अहमद का बेटा असद भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। इसीलिए अतीक अहमद की बहनों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रो रो कर जान बख्शने की गुहार लगाई। समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। गुजरात से यूपी तक का ये सफर अतीक अहमद के लिए बेहद डरावना होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस के जवानों ने ही बताया कि प्रयागराज से अहमदाबाद तक बाय रोड सफर में उसे कम 33 घंटे लगे हैं। इसका मतलब यही है कि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाते हुए भी यूपी पुलिस को कम से कम 33 घंटे का वक्त तो लगने ही वाला है। ऐसे में यूपी पुलिस एकदम चाक चौबंद नजर आ रही है। यूपी पुलिस के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस दुर्दांत माफिया के पुराने तेवरों से वो वाकिफ है। He is just an ordinary criminal for us. ये आप लोग उसका नाम लेते हैं बार बार, हमारे लिए एक अपराधी है। और लेकिन उसको इतना खौफ आ रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए। उसको हम केवल एक अपराधी के नजरिए से देखते हैं कि ये ऐसा शख्स है जिसको कानून के कटघरे में हमें खड़ा कर। कुल मिलाकर अतीक अहमद की जिंदगी का ये बेहद कठिन समय है, क्योंकि विकास दुबे जैसे कानपुर के एक दुर्दांत अपराधी की गाड़ी जिस तरह पलटी और फिर जिस तरह उसके एनकाउंटर में मौत हुई है, ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के अपराधी ऐसा खतरनाक अंजाम देखकर सिहर गए थे। और अब अतीक को भी डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं एक बार फिर गाड़ी ना पलट जाए। तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज इस वक्त लाया जा रहा है। काफिले की महाकवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। हमारे संवाददाता जनक दवे साबरमती जेल से लगातार बने रहे, उसके बाद काफिले के साथ वो चले और फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ से जनक दवे की जगह भवानी सिंह काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं और अभी भी वो काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जनक दवे अहमदाबाद से लगातार फॉलो करते हुए यहाँ पर चित्तौड़ पहुंचे हैं अभी तक काफिले के साथ में, और अब आगे मैं आपको MP बॉर्डर तक साथ में आपको तस्वीरें लगातार आप देखिए कि काफिले की तस्वीरें। और ये इसी में अतीक अहमद है, इसी में क्या जनक भाई इसी के अंदर है? अतीक अहमद का कैमरा आप देख रहे हैं, अब आप इसको फॉलो कीजिए। कब कब वो कहाँ उन काफिला रुका और किस तरीके से दो पेट्रोल पंप पर रुका, फिर उसके बाद में उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के बाद में चित्तौड़ और चित्तौड़ के बाद में चित्तौड़ में जनक दवे
से उसके बाद में मैं उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से लगातार तो आपको जो साथ तस्वीर है लगातार हम आगे मध्य प्रदेश बॉर्डर तक बताएंगे आपको और ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और अब 36 घंटे के बाद पता चलेगा कि माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में क्या राज उगलता है। साबरमती से प्रयागराज तक का सफर माफिया अतीक और उसके गुर्गों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। अतीक को लगता है कि सफर के दौरान उसका एनकाउंटर हो सकता है। और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। आतंक के अंत की शुरुआत खुदा तो नहीं लेकिन खुद को खुदा से कम नहीं समझता था माफिया अतीक अहमद। लेकिन आज देखिए आतंक का आका अतीक अहमद कैसे कांप रहा है। तो इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है, क्या क्या लग रहा है आपको? गुजरात की साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक का सफर अतीक पर बहुत भारी पड़ रहा है। 33 घंटे में 1300 किलोमीटर का सफर। अतीक को ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उसके हर गुनाह का हिसाब मांगा जा रहा हो। यूपी पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि माफिया अतीक अहमद और गुर्गों की एक गलती बहुत भारी साबित होगी। अगर वो सरेंडर कर देता है, सामने आ जाता है, तख्तियां लेकर भी लोग आ जाते हैं, उनको तो पुलिस नहीं गोली मारती। लेकिन पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई यह है कि गोली का जवाब हम गोली से ही देते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए बाहुबली अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ से खौफ नहीं है। असल में अतीक को डरा रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी का वो दहाड़ता बयान जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी का यही मिट्टी वाला बयान अतीक को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पता नहीं साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक के सफर में क्या हो जाए।